हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ, मेरा कुछ खास टॉपिक तो नहीं है बट मैं इतने सारे फ्लावर्स खिले हुए थे तो मेरा मन नहीं माना आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे हिबिस्कस कितने अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, और ये देखिए रेड हिबिस्कस है, बहुत प्यारे प्यारे से फूल इनमें आते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये कलर। रेड मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और एक प्लांट मेरा तो हमेशा आप लोग से मैं बताती हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरा देखिए पिंक है, ये भी खिलने शुरू हो गए हैं और ये फ्लावर खिल चुका है। देखिए कितना सुंदर सा फूल है। और ये मेरे सारे हाइब्रिड हिबिस्कस हैं। कल भी इसमें एक फ्लावर आया था और आज इसमें दो फ्लावर आए हैं। इसमें तो लगभग 4-5-6 फूल रोज़ आते रहते हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर हैं। और मैं इनको बस गोबर की खाद और बनाना पिल का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, जो कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत से लोग पूछते भी हैं कि हमारे प्लांट में कलियाँ नहीं आ रही, फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप उसकी मंथली गुड़ाई करते रहिए हर महीने गमले की। और मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन बनाइए, मिट्टी में एक भाग सैंड, एक भाग मिट्टी, एक भाग कंपोस्ट और एक भाग कोकोपीट, इस तरह से मिट्टी आप इनकी तैयार करिए। मैं मेरे गार्डन में आप देख सकते हैं जितने भी प्लांट हैं सारे प्लांट की मिट्टी एक जैसे ही बनाती हूँ, और सभी प्लांट मेरे इतने ही हेल्दी और इतने ही सुंदर होते हैं। दूसरा प्लांट मैं आपको दिखा देती हूँ। आज तो इसको देख के इतना मन खुश हो गया सुबह सुबह देख करके। देखिए कितने ज़्यादा इसमें ब्लूम्स हुए हैं, कितने सारे फ्लावर आए हैं। मैं गिनूंगी तो लगभग 10-12-13 फ्लावर इसमें आए हुए हैं और पूरा प्लांट मेरा फूलों से भरा है। मैं दूर से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो थोड़ा ब्राइट से कलर दिख रहे हैं, और छाया में इनके कलर बहुत ही अच्छे डार्क दिखते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर हैं इनके फ्लावर, और इनके फ्लावर भी 2 दिनों तक टिके रहते हैं। ये जैसे आज खिले हैं तो ये अभी कल भी इसी तरह से खिले रहेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ये मेरा फेवरेट प्लांट है। इसकी जो खासियत है ये 2 दिन खिलने वाला जो प्लांट है, ये मुझे इसकी वजह से ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। और देखिए इसको मैंने 12 इंच के गमले में लगा दिया। पहले ये लगभग 2 महीने 1.5 महीने पहले ये लगभग 10 इंच के गमले में लगा था और पूरे 1.5 साल से उसी में लगा हुआ था, तब भी ये इतनी ही ज़्यादा ब्लूमिंग करता था। फिर इसकी थोड़ी रूट बाउंडिंग हो रही थी तो मैंने इसको 12 इंच के गमले में शिफ्ट कर दिया, और उसके बाद ये बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहा है। और देखिए कितने सुंदर सुंदर से फ्लावर हैं, एक एक ब्रांच पे 3-3, 4-4 फ्लावर आए हुए हैं, और इतनी सारी अभी भी कलियाँ हैं, इतनी सारी कलियाँ हैं। ये देखिए कलियाँ भी बहुत सारी हैं। तो बहुत ही अच्छे हिबिस्कस के प्लांट आप ज़रूर ऐड करिए अपने गार्डन में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, फ्लावरिंग भी करते हैं और ऑल टाइम फ्लावरिंग करते हैं, इसलिए बहुत अच्छे होते हैं। परमानेंट फ्लावर हैं और हमेशा ये फ्लावरिंग इसी तरह से करते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए जो मैंने कटिंग्स लगाई थी, इसको भी मैंने अभी संडे की अपडेट में शेयर किया था, काफ़ी सारे फ्लावर इसमें भी आए हुए थे। ये भी देखिए कल भी इसमें 2 फ्लावर आए थे। ये मेरे सारे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। और अभी मैंने फंगीसाइड का स्प्रे किया तो इसमें भी पड़ गया, मैंने ये डहेलिया के प्लांट में किया था। तो ये देखिए इधर एडेनियम देखिए कितने अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, जबकि इस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। 3 दिनों से हमारे यहाँ बहुत तेज़ ठंड हो गई है, तो फिर भी ये बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए न्यू फ्लावर आए हुए हैं बहुत ही सुंदर से। तो मेरा गार्डन बस आपको सुबह सुबह उठ के मैं बस फूल ही दिखाना चाह रही थी। सभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। और ये देखिए जीनिया, इधर सारे मेरे पिटूनिया हैं जो बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं इनके फ्लावर भी। इधर ये साल्विया है, एक हिबिस्कस मेरे पास और है ऑरेंज कलर का जो खिलता है और बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट है। ये देखिए साल्विया भी बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहा है। तो मेरे गार्डन में बस इसी तरह से फ्लावरिंग होती रहती है, जो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों के साथ शेयर करने में भी। तो आप लोग भी इसी तरह से अपने गार्डन में कुछ फ्लावर्स ज़रूर लगाइए जो बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे। और सुबह उठ के जैसे ही इन पर नज़र पड़ती है तो मन एकदम से खुश हो जाता है देख करके, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक बार आपको अपने गार्डन को थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ दूर से। देखिए ये मेरा गार्डन है और पूरा फूलों से भरा है। जो प्लांट फ्लावरिंग वाले हैं उनमें सभी में फूल आए हैं, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जैसे फ्लावर नहीं है, सिर्फ कलेंचो को छोड़ के। कलेंचो अभी खिलना स्टार्ट नहीं हुआ है और काफ़ी अच्छे से सभी में ब्लूमिंग शुरू हो गई है। तो ये देखिए, तो बस फ्रेंड्स आज इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।